हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ यू आर न्यू हियर सो हाय, माय नेम इज शायोनी। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी माय ग्लैम की कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स की रिव्यू। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह ये जो माय ग्लैम की एड है वो हम लोग को दिखता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको खरीद के यूज किया जाए एंड आप लोग के साथ इसकी जो रिव्यू है। तो सारे के सारे जो मेकअप प्रोडक्ट्स है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने लिया है राइट हियर, तो ये सारे मेकअप प्रोडक्ट्स की रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, प्रोज एंड कॉन्स एंड एवरीथिंग। सो गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हो देन ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं फेस से स्टार्ट करूंगी। तो सबसे पहले जो मैं शेयर करने वाली हूँ रिव्यू, वो है ये माय ग्लैम की सुपर सीरम कॉम्पैक्ट। This is तो first of all the packaging is very beautiful, very classy. एक mirror packaging है, बहुत ही beautiful है। 101 in cream, तो ये मेरी shade number है। And this is तो यहाँ पे एक mirror available है। And here is a puff. And then here is the product. तो एक plastic sheet है यहाँ पे जो हर compact के साथ आता है। तो first of all ये जो puff है तो ये मुझे उतना पसंद नहीं आया है truly speaking, क्योंकि ये जो puff है तो उससे product ठीक से apply नहीं होता है। तो मैं ये जो puff है मैं उतना इसको use नहीं करती हूँ। Then comes to the product, तो आज मैंने ये जो compact है ये मैंने apply किया है on top of a concealer। तो ये compact काफी अच्छा है, तो ये लो टू मीडियम कवरेज देता है, सो नॉट मीडियम, लो टू बिल्डेबल कवरेज देता है। काफी यू नो ड्राई है, तो अगर आपकी ऑयली या सुपर ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है तो बहुत ही अच्छा है। एंड अगर आपकी अगर ड्राई स्किन है तो आपको पहले अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना पड़ेगा एंड देन आप ये जो कॉम्पैक्ट है इसको आप यूज कर सकते हो। ये मेकअप बहुत ही हद तक अच्छे से सेट करता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बहुत अच्छे से मेकअप को सेट करता है, बट या ये काफी हद तक ये अच्छे से सेट करता है। अगर आप कॉलेज ऑफिस जाते हो तो आप इसको डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट गाइज, आई हैव दिस माय ग्लैम पोज एचडी ब्रॉन्जर डुओ। नाउ अगेन द पैकेजिंग इज वेरी मच क्यूट एंड ट्रबल फ्रेंडली, एंड इस तरह से ये ओपन होता है एंड अगेन आपको एक ट्रांसपेरेंट यहाँ पे प्रोटेक्टर मिलेगा लाइक दिस। एंड यहाँ पे आपको दो शेड मिलता है, वन इज ब्रॉन्जर एंड वन इज कंटूर, दोनों ही मैच शेड है। सो इस इज अ ब्रॉन्जर शेड, अ लिटिल यू नो वन टोन शेड, ब्राउन शेड, एंड हियर इज द कंटूर शेड व्हिच इज अ लिटिल कूल टोन ब्राउन। सो या तो ये जो ब्रॉन्जर एंड कंटूर की फॉर्मुलेशन है बहुत ही अच्छा है। ये मीडियम पिगमेंटेड है, तो आपको कंटूर बहुत ज्यादा अगर पिगमेंटेड हो जाए तो यू नो ब्लेंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट ये जो कंटूर एंड ब्रॉन्जर शेड है ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो आज मैंने ये कंटूर एंड ब्रॉन्जर दोनों को ही अप्लाई किया है मेरे फेस में। आई होप यू कैन सी, ये दोनों ही बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है। दोनों की फॉर्मुलेशन सॉफ्ट पाउडरी है, बिल्कुल भी चौकी या यू नो पैची नहीं है, तो डेफिनेटली आपको ये परचेस करना चाहिए। तो द शेड इज 001 सिनेमन, तो ये जो शेड है ये व्हाइटिश टू फेयर स्किन टोन में अच्छा लगेगा। एंड नेक्स्ट जो मैंने फेस प्रोडक्ट लिया है वो है ये माय ग्लैम की सेटोनियो मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो ये माय ग्लैम की जो पैकेजिंग होती है प्रोडक्ट्स की, मेकअप प्रोडक्ट्स की, तो वो बहुत ही अच्छी होती है। सो अगेन इट्स अ प्लास्टिक पैकेजिंग बट इट्स लुक्स वेरी नाइस। बट ये जो मेकअप सेटिंग स्प्रे की स्प्रे है, आई डोंट नो कि आपको दिखेगा या नहीं, तो इसकी जो मिस्ट है ये थोड़ा सा स्ट्रांग निकल के आता है, तो ये बहुत ज्यादा फाइन मिस्ट नहीं है। जब आप स्प्रे करोगे तो एक यू नो स्ट्रॉन्ग स्प्रे आएगा, एक हॉट स्प्रे आता है आपके फेस में। तो ये थोड़ी सी ये आई डोंट नो ये सिर्फ यही बॉटल है इसकी डिफेक्ट है या क्या है। एंड इसकी एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस खराब नहीं है, बट थोड़ा सा जो फ्रेग्रेंस है इसकी ये सेटिंग स्प्रे की थोड़ा सा स्ट्रांग है। बट ऑफकोर्स आप जब अप्लाई करोगे तो 2-3 मिनट्स के बाद जो फ्रेग्रेंस है वो नहीं रहता है, चला जाता है। बट फॉर फर्स्ट 2-3 मिनट्स ये जो फ्रेग्रेंस है ये थोड़ा सा आपको बॉदर कर सकता है अगर आपकी ज्यादा माइग्रेन की प्रॉब्लम है, लेकिन ये बिल्कुल भी स्वेट रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर आप ज्यादा स्वेटिंग करते हो तो आपकी जो मेकअप है वो हट सकता है, तो ये स्वेट रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ ये मेकअप को सेट करता है अगर आप एसी में हो या कोई भी अच्छी कूल वेदर में हो तो ये अच्छा काम करेगा। बहुत ज्यादा
ग्लो या बहुत ज्यादा मैट फिनिश नहीं देता है, नेचुरल फिनिश देता है। मैंने अभी फेस में यही जो मेकअप सेटिंग स्प्रे है वो मैंने अप्लाई किया है। तो अभी मेरी एसी ऑन है, तो अगर मैं ज्यादा स्वेटिंग करूंगी तो मेरे जो मेकअप है वो हट जाएगा मेरी टी जोन से। आप डेली बेसिस पे इसको यूज कर सकते हो। सो इसकी अगर स्प्रे थोड़ा सा ठीक हो जाए तो इट्स अ गुड मेकअप सेटिंग स्प्रे। सो नेक्स्ट अप गाइस, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है एक आई प्रोडक्ट, वो है दिस माई ग्लैम की पॉप एक्सो स्क्वाट गोल्स आई शेडो पैलेट। सो हियर इज द पैकेजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन द पैकेजिंग इज वेरी वेरी क्यूट, बहुत ही ब्यूटिफुल क्यूट सी पैकेजिंग है। एंड इसकी प्राइस है 449, बट अगेन मुझे ये डिस्काउंट में मिल गया था। एंड पीछे आपको यहाँ पे जो आई शेडो की नेम है वो मिल जाएगा हियर। एंड हियर इज द आई शेडो पैलेट। सो आपको मिरर या ब्रश कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे 12 आई शेडो कलर्स है, सो जिसमें कुछ शिमरी है एंड कुछ मैट्स है, एज यू कैन सी। सो द कलर शेड्स आर वेरी ब्यूटिफुल, ब्लैक, रस्टी ऑरेंज, वायलेट, सिल्वर, गोल्डन, पीच कलर, ग्रेश कलर, ब्राउन कलर। तो ये सारे कलर्स है जिसको मिक्स एंड मैच करके आप बहुत सारे आई शेडो कलर्स, आप आई शेडो लुक्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो जो मैट कलर्स है वो काफी पिगमेंटेड है, बहुत ज्यादा 100% ओपेक पिगमेंटेशन मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जो पिगमेंटेशन है वो आप बिल्ड अप कर सकते हो। लेकिन सिर्फ ये जो शिमरी शेड्स है यहाँ पे, ये जो यू नो चार पांच जो शिमरी शेड्स है यहाँ पे, तो वो बहुत ज्यादा शिमरी नहीं है। एज यू कैन सी गाइस, मैंने आज मेरी जो आई शेडो लुक है वो मैंने यही पैलेट से किया है, ब्लैक, दिस रस्टी ऑरेंज शेड हियर, एंड मैंने ये अप्लाई किया है। तो ये तीन शेड को मिला के मैंने ये जो आई मेकअप है ये मैंने क्रिएट किया है। तो एज यू कैन सी गाइस, जो शिमरी शेड है वो बहुत ज्यादा शिमरी नहीं है, इट्स अ वेरी शीयर शिमरी शेड। बट जो आई शेडोज है वो ब्लेंडेबल है, काफी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, अगेन स्मूथ पाउडरी फिनिश है, बिल्कुल भी ज्यादा चौकी नहीं है। सो या डेफिनेटली यू कैन परचेज दिस। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने लिया है माई ग्लैम से वो है ये काजल, दिस ब्लैक काजल। एंड मैंने आज मेरी वॉटर लाइन में ये ब्लैक काजल को अप्लाई किया है। एज यू कैन सी गाइज हाउ जेट ब्लैक इट इज, इट्स अ वेरी वेरी क्रीमी, वेरी पिगमेंटेड काजल। सो लेट मी गिव अ स्वॉच फॉर यू। सो एज यू कैन सी गाइज, मैंने सिर्फ एक स्वाइप दिया है एंड सी हाउ ब्लैक इट इज, इट्स अ जेट ब्लैक काजल, वेरी स्मूथ, वेरी क्रीमी। बट ओनली प्रॉब्लम इज कि ये स्मच प्रूफ नहीं है। अगर आप वाटर लाइन में अप्लाई करोगे तो एक से डेढ़ घंटे के बाद ये थोड़ा सा स्मच हो जाएगा, वाटर लाइन में स्मच होता है। तो इट्स नॉट अ कम्प्लीट यू नो स्मच प्रूफ काजल। तो एज पर द प्राइस पॉइंट ये काजल बहुत ही ब्यूटिफुल है, जेट ब्लैक है, एज यू कैन सी। सो एज यू कैन सी गाइस, ये स्मच होता है, बट स्टिल मैं इसको यूज करती हूँ। अगर आप नो कॉलेज गोअर हो, ऑफिस गोअर हो, सो आप डेफिनेटली इसको एज अ डेली बेसिस यूज कर सकते हो। नेक्स्ट गाइज, आई हैव 3 आई लाइनर हियर फ्रॉम माई ग्लैम। सो ब्लू, इट्स अ ऑरेंजिश कलर, एज यू कैन सी मैंने आज आई लिड में अप्लाई किया है। एंड हियर इज अ पिंक कलर। तो मैं सारी की सारी इसको स्वॉचेस आपको करके दिखाती हूँ। सो फर्स्ट आई एम गोना स्वॉच द ब्लू वन। As you can see guys, here is the blue one. Then I'm swatching the pink one. So here is the pink one, and then I'm swatching the orange one. Here is a 3 eyeliner. So, ये बिल्कुल स्मच प्रूफ है ये जो आईलाइनर है, ये जब ड्राई होके सेट हो जाएगा, तो अभी तो ये वेट है, ये थोड़ी देर के बाद 1 से 2 मिनट के अंदर, ये 1 मिनट के अंदर ही ये ड्राई होके सेट हो जाता है एंड देन बिल्कुल ये स्मच प्रूफ बन जाएगा। लेकिन गाइस, ये जो थिन आईलाइनर है ये बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है। तो अगर आप प्लेन वाटर से ही इसको स्मच करते हो तब ये स्मच हो जाएगा। सो दिस आर नॉट वाटर प्रूफ आईलाइनर।
बट ये डेफिनेटली स्मच प्रूफ है, तो वाटर के बिना अगर आप ड्राई इसको रब करोगे तो ये स्मच नहीं होगा, लेकिन विथ वाटर ये रिमूव हो जाता है। सो ये स्मूथली अप्लाई होता है, एज यू कैन सी गाइस जो आई लाइनर है, सो ये आईज में स्मूथली अप्लाई हो जाता है। एंड जो टिप है ये आई लाइनर का, इट्स अ वेरी यू नो फाइन थिन टिप, तो आपको आई लाइनर थिन से थिन लाइनर ड्रॉ करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी है, एज यू कैन सी। सो दीज आर कम्प्लीट स्मच प्रूफ। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि बारिश में नहीं भीगना है इसको अप्लाई करने के बाद। नाउ गाइस जो बचा है वो है सारे के सारे लिप प्रोडक्ट्स हियर। तो इसमें से ये जो चार लिक्विड मैट लिपस्टिक्स है माई ग्लैम की, तो इसकी मैंने अलग से स्वॉचेस वीडियो कर दिया है। सो वो मैं इसलिए आज मैं इसको स्वॉच नहीं कर रही हूँ, मैं वो जो शॉर्ट वीडियो है इसके लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप डेफिनेटली चेक कर लीजिएगा। तो ये जो चारों लिपस्टिक की शेड है तो वहाँ पे आपको अच्छे से ये दिख जाएगा, स्वॉचेस जो है लिप स्वॉचेस वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। सिर्फ मैं जो रिव्यू है वो मैं दे देती हूँ। ये स्मच प्रूफ है, ये बिल्कुल मैट फिनिश देता है, थोड़ा सा ड्राई करेगा। तो ये लिपस्टिक को अप्लाई करने से पहले आपको अच्छे से लिप को विद लिप बाम मॉइस्चराइज कर लेना चाहिए, देन आप ये अगर लिपस्टिक अप्लाई करोगे तो आपके लिप्स बहुत ही अच्छा रहेगा, बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगा। एंड स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, लेकिन जब आप थोड़ा सा खाना खाते हो, अगर बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाते हो तो सेंटर ऑफ द लिप से ये थोड़ा सा हट जाता है, बट अदरवाइज दिस आर वेरी पिगमेंटेड, वेरी क्रीमी, वेरी वेरी गुड लिक्विड लिपस्टिक्स। कलर्स भी बहुत अच्छा है, जो पिगमेंटेशन है, कलर पे ऑफ है, वो बहुत ही ज्यादा ओपेक है, बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल है। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस लिपस्टिक्स। नेक्स्ट आई हैव दिस वेलवेट मैट लिक्विड लिपस्टिक गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्कुल भी मैट नहीं है, आप मेरे लिप्स में देख सकते हो। मैंने ये जो कलर है VM04 Rare, ये एक ऑरेंज कलर है, ऑरेंजिश कलर है, एज यू कैन सी गाइस अ ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर, वो मैंने अप्लाई किया है। तो एज यू कैन सी कि ये बिल्कुल भी मैट नहीं है, ये वेलवेट फिनिश देता है। एंड कलर पे ऑफ मीडियम टू बिल्डेबल है, मैं नहीं कहूंगी कि 100% कलर पे ऑफ देता है, आपको लेयर अप करना पड़ेगा टू गेट द फुल ओपेक पिगमेंटेशन। तो ये मीडियम टू बिल्डेबल कलर पे ऑफ है इसका पिगमेंटेशन है, एंड ये बिल्कुल भी स्मच प्रूफ नहीं है। सो एज यू कैन सी गाइस ये बिल्कुल भी स्मच प्रूफ नहीं है, बट इनो किस करने के बाद थोड़ा सा मैट हो गया है, बट थोड़ा सा कलर पे ऑफ भी ये लाइट हो गया है। एंड ये लिपस्टिक को अप्लाई करने के बाद जब आप बात करते हो तो आप आपके लिप्स की जो यहाँ पे साइड है, यहाँ पे जो लिपस्टिक है वो आ जाता है समटाइम्स, एज यू कैन सी। इसकी कोई अलग से स्वच वीडियो मैंने नहीं किया है, सो फुल जो कलर है वो आप देख सकते हो, ऑरेंज कलर। मैं यहाँ पे स्वच कर देती हूँ, Here is the orange color. कप में, स्पून में, हर जगह ये ट्रांसफर हो जाता है, बहुत ज्यादा ट्रांसफर है एंड थोड़ा सा स्टिकी है, तो इसे स्टिकी है, तो दैट्स व्हाई ये लिपस्टिक्स मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं है। जो कलर्स है दे आर वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी लवली कलर्स, एज यू कैन सी गाइज, आई होप यू कैन सी दैट। तो मैं ये जो वेलवेटी लिपस्टिक्स है मैं इसको उतना रिकमेंड नहीं करूंगी, अगर आप लेना चाहते हो, अगर आपको बहुत ज्यादा ड्राई मैट लिपस्टिक पसंद नहीं है सो डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हो, बट अगेन स्मच करेगा, ट्रांसफर होगा, स्टिकी होगा, थोड़ा सा फैलाएगा। सो या एंड जो लास्ट लिपस्टिक है मेरे पास वो एक बुलेट लिपस्टिक है, एज यू कैन सी गाइज। तो इसकी शेड है फ्रेंच 75, अगेन जो पैकेजिंग है अच्छी है, एंड अगेन ये जो सारे लिपस्टिक की पैकेजिंग आप देख सकते हो ये अच्छी है, आपको बाहर से जो कलर्स है वो दिख जाएगा अच्छे से, सो दैट्स अ वेरी नाइस, वेरी गुड पैकेजिंग। तो ये बट ये बुलेट की पैकेजिंग है इस तरह से, ये आप बाहर से जो कलर है वो नहीं देख सकते हो, इट्स अ मजेंटा कलर, मैं यहाँ पे स्वच कर देती हूँ। बहुत ही ज्यादा क्रीमी है एज यू कैन सी गाइज, तो बहुत ज्यादा क्रीमी है, एंड अगेन ये बिल्कुल भी स्मच प्रूफ नहीं है, स्मच करेगा, ट्रांसफर करेगा, इट्स अ क्रीमी बुलेट लिपस्टिक, बट जो पिगमेंटेशन है, ब्यूटीफुल पिगमेंटेशन,
वेरी नाइस कलर पे ऑफ है इसका, एज यू कैन सी गाइज, बहुत ज्यादा अच्छा कलर पे ऑफ है इसका। अगर आप एक बुलेट लिपस्टिक लवर्स हो तो डेफिनेटली ये जो माइग्लैम की बुलेट लिपस्टिक्स है इसको आपको यूज करना चाहिए। तो लेट मी नो कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, रिव्यूज कैसा लगा है। मैं जो मेरी ऑनेस्ट रिव्यू है, जो मुझे ये प्रोडक्ट्स को यूज करके फील हुआ है, वो ही मैंने ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो या, तो लेट मी नो कि आपको कैसा लगा है आज का वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।